तो आज हम लोग बिल्लू उस्ताद के सेट के ऊपर है और सेट पे आज हम लोग प्रियांशु जी से बात कर रहे हैं जो कि इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो मैं नारायण फिल्म्स की तरफ से पहले तो प्रियांशु जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनका टाइम दिया और अच्छी तरह से उस रोल को निभाया और उनके साथ काम करके हमको बहुत बहुत ही आनंद आया। तो सर से पूछते हैं कि सर का जो आगे गाड़ी एक्सपीरियंस है आगे फिल्म में और हमारे साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा था सर? बहुत ही अच्छा लगा बिल्लू उस्ताद में काम करके, सुवरण जी के निर्देशन में। बहुत सबसे पहले तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, जो नैरेटिव था, जो कहानी थी, और बहुत सारी चीज़ें जो स्क्रिप्ट में एक्टर सोच नहीं पाते निर्देशक उसको ले आते हैं सेट पर। तो जब वो होते हुए देखा यहाँ पर बिल्लू उस्ताद के सेट पर तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही कूल माइंड, एकदम इवन टेम्परामेंट वाले हैं हमारे निर्देशक। और बाकी की कास्ट भी जो इन्होंने इकट्ठा की है इस फिल्म में, अकेले गणेश दीपा जाना, के सर, जो बच्चे हैं हमारे साथ, बहुत ही सबने बहुत अच्छा काम किया है। और ऐसी उम्मीद है मेरी कि फिल्म एक एंटरटेनिंग प्लस मैसेज ओरिएंटेड, एक नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक एक फिल्म शायद हम लोग बना पाए। और जब रिलीज होगी तो ऐसी आशा है कि ऑडियंस बहुत इन्जॉय करेगी। मेरा जो कैरेक्टर जो सर ने मुझे दिया, सुधा जी ने, वो मुझे बहुत ही एकदम अजय श्रीवास्तव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक एरिया का, और बहुत ही क्लीन कट इमेज और ऑनेस्ट एंटरप्राइजिंग। और उसकी अपनी त्रासदी है, उसकी अपनी ट्रेजिडी है फिल्म में, जिससे वो कैसे बाहर निकलते हैं। और तो बहुत अच्छा लगा वो, इन्होंने सुवदान जी ने जो सोचा था, आई थिंक वो बिल्कुल मेरे को रख के ही माइंड में वो कैरेक्टर सोचा था। और ऐसी आशा है कि हम लोग अच्छा कर पाए होंगे उसमें। जी 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 सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा नारायणी के साथ काम करके, नारायणी फिल्म के साथ काम करके। उनका पहला वेंचर है, मेरी तरफ से उनको सारी ढेर सारी बेस्ट विशेज हैं, मनोकामनाएं जो जो है उनकी पूर्ति हो उनकी, और आगे जाके और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में बनाएं। तो माई बेस्ट विशेज विद दिस न्यू प्रोडक्शन हाउस। थैंक्स। ये एक दो सवाल और करेंगे आपसे पहले तो कि शायद पुणे में आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, जी तो पुणे का एटमॉस्फियर और जो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं उनका नेचर और प्रोडक्शन हाउस का जो सराउंडिंग है, यानी कि लोग और उनका जो टीम है, टीम वर्क, वो कैसा लगा? तो मेरे लिए पूना, मैं 10 साल बाद पूना आया हूँ, और 10 साल पहले भी जब आया था तो काम के सिलसिले में नहीं आया था, घूमने फिर नहीं आया था पूना कुछ दोस्तों के साथ। और इस बार पहली मरतबा ऐसा हुआ कि काम के लिए, शूटिंग के लिए मैं पूना आया। तो बहुत अच्छा लगा, पूना का मौसम बहुत अच्छा लगा, बॉम्बे से बहुत बेटर लगा। और हम लोग एक दो दफ़ा बाहर खाने के लिए गए तो खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, ऐसा जी लगा कि बॉम्बे से बेटर आर्ट ऑफ कुकिंग शायद यहाँ है लोगों में। और नारायणी फिल्म्स हमारे जो निर्माता प्रोड्यूसर शांतनु सिंह जी हैं, बहुत ही यंग और बहुत ही डायनामिक, अगेन वेरी कूल माइंडेड, और बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड के साथ फर्स्ट डे से, जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो सेट पे डॉक्टर, दवाई, ये वही रियली मेड श्योर कि हमें ऐसा ना लगे कि हम घर के बाहर आए काम करने। जी तो सब चीज़ जब जो चाहिए ही वॉज प्रोवाइडिंग, और रियली वेरी स्वीट। एंड इसीलिए मन करता है कि ऐसे लोग आगे जाके और काम करें, है ना, इनके साथ और जुड़ने का एक मनोभावना बनती है कि ये लोग करें और हम इनके से इनको जितना हमारी तरफ से हो सके जैसा सपोर्ट, तो एक अच्छा ग्रुप तैयार होता है और अच्छे ग्रुप में अच्छा काम होता है। जी। अब आप मेरे नेचर से वाकिफ हो चुके हैं, मैं आपके नेचर से, दिवाली में हम भी, तो हम लोग एकदम ऐसा है ना कि अभी फट कर देखते समझ आता है कि हाँ अभी मूड ठीक नहीं है या कुछ हुआ, है ना, कि एक रैपो एस्टैब्लिश हो गया है। तो इसीलिए लगता है कि नारायणी शुड मेक मेनी मोर फिल्म्स, सोदान जी शुड मेक मेनी मोर फिल्म्स। प्रियांशु जी।